सीरियल ये है मोहब्बतें में निधि इशिता को ब्लैकमेल करने के लिए मिसेस अय्यर को किडनैप कर लेती है और वो उसे उसके जिंदा होने का सच छुपाना चाहती है। सीरियल ये है मोहब्बतें में आप देखेंगे इशिता को निधि के जिंदा होने के सच पता चल जाएगा। जी हाँ, इशिता और रमन लगे हुए हैं वंदिता के असली कातिल तक पहुँचने के लिए और इसी बीच उन्हें निधि का जिंदा होने का सच भी पता चल जाता है। इशिता को पता चल जाता है कि ये सब निधि का खेल था और उसने ही अपने खेल से उसकी बहन वंदिता को मारा है और इसीलिए अब इशिता डिसाइड करती है कि वो निधि का सच पुलिस के सामने लाकर रहेगी और उन्हें बताएगी कि निधि अब तक जिंदा है और उसी ने उसकी बहन को मारा है और इसीलिए वो उसको सलाखों के पीछे करवाना चाहती है। निधि ने अपनी झूठी डेथ दिखाकर जेल से बाहर निकल गई थी और इसमें उसका साथ दिया था मनी ने, इसीलिए अब इशिता ने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि वो निधि को वापस जेल भेज कर रहेगी। इशिता पुलिस स्टेशन पहुँच जाती है निधि का सच बताने के लिए, लेकिन इतने में निधि का उसे कॉल आता है और वो उसे ब्लैकमेल करती है कि उसने उसकी माँ मिसेज अय्यर को किडनैप कर लिया है। इशिता ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है कि निधि ने उसकी माँ को किडनैप कर लिया है और इशिता हेल्पलेस हो जाती है और अभी वो निधि के खिलाफ कंप्लेन नहीं कर पाती है। अब देखते हैं कि कैसे इशिता निधि के अगेंस्ट कुछ भी एक्शन ले पाती है और अपनी माँ को निधि के चंगुल से बचा पाती है। वेल, शो से जुड़ी सारी अपडेट्स जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब अस।